ठंडा मतलब कोका कोला और घोड़ा मतलब लाल बादशाह। आप सोच रहे होंगे मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि लाल बादशाह के ओनर हमारे साथ गौस खान जी मौजूद हैं। मलियाबाद रेस उन्होंने कराई है और बहुत ही बढ़िया रेस रही है। आइए उनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और सारी बातें जानते हैं। गौस भाई क्या हाल चाल है? जी बस बढ़िया, अल्लाह शुक्र है। मज़ा आ गया रेस में, मैं तो फर्स्ट टाइम आया था। चलिए भाई शुक्रिया आपका। तो क्या देखते हैं जैसे रेस में, आपने जब घोड़े यहाँ पर आए जी तो आप बड़ी नज़र को पैन ही रखना पड़ता है, किसी को खुश नहीं कर सकते ना। अब उसमें भाई देखिए, हम जब तक 2-3 घंटे की रेस होती है उसमें हम खाली घोड़े देखते हैं। अच्छा। कौन मालिक है, कौन सवार है, कौन हमारा, सभी हमारे प्रिय हैं, भाई हैं, घर ऐसे संबंध है, जी, जी। सब उन्हीं के घोड़े हैं। लेकिन उस टाइम घोड़ा देखता हूँ मैं। अच्छा। किसका, ये देखिए चाल की रेस है, इसमें चाल में जो घोड़ा चलेगा वो इनाम पाएगा। अच्छा। चाल में चलिए थोड़ी बहुत छूट, लेकिन अब ये नहीं कि इतनी छूट की एकदम, बल्कि चाल की रेस है, चाल के हिसाब से इनाम दिया गया यहाँ और चाली के हिसाब से पूरी रेस हुई। आपको खुद इतना शौक है, सबसे बड़ी बात तो यही है, वही शौकीन कर सकता है इस चीज़ को जिसको खुद शौक होगा। आपके घोड़े मैदान पर क्यों नहीं उतरते हैं? इस भाई हम अपने घर पे अपने घोड़े नहीं उतारते हैं अपनी रेस में जी। वो इसलिए, मान लिया सपोज घोड़ा है, मान लिया आगे आ गया, जीत गया, लोग कहें लीजिए खुद ही रेस कराई, खुद ही बुला के बेइज्जत कर दिया। आपका घोड़ा, आपका घोड़ा तो फिर भी आपका घोड़ा किसी से कम थोड़ी है। नहीं कम की बात नहीं, वो तो रेस जाके बाहर लड़ता है, सबको दिखता ही है। भदरी लड़ता है जाके, बादशाह मलंग जाके बाहर लड़ता है, सबको दिख ही जाता है कौन क्या घोड़े हैं। तो सभी अच्छे कितने घोड़े हैं। कितने घोड़े घर पे? अभी हमारे पास टाइम 7 या 8 घोड़े हैं। अच्छा। हाँ तो अब आपकी रेस की तैयारी कब है? हमारी रेस, हम देखिए जा रहे थे 2 तारीख को कच्छ में रेस है। अच्छा। पिछले साल मलंग गया था लड़ने, जी जी, तो आया था सेकेंड। हाँ हाँ। लेकिन वहाँ की कमेटी ने किसी द्वारा हमारे साथ हक तल्फी करके, अच्छा, फाउल कर दिया हमारा घोड़ा। उसके बाद वहीं से तुरंत लद के जी, सेम डे जी साचौर गया। अच्छा। जहाँ घोड़े मैन्युफैक्चर होते हैं ये, जहाँ अच्छा, की ये नसल है, राजस्थान, और वहाँ जाके फर्स्ट किया मलंग ने। अब वहाँ 2020 में, हाँ वहाँ फर्स्ट किया जाके 2 ही दिन के बाद। जब आपने घोड़ा लिया, हाँ, जैसे आप रेस की तैयारी करते हैं, आप जब घोड़ा लेते हैं तो क्या देखते हैं उसमें? कुछ नहीं देख पाते हैं, सब फजूल की बातें करें, बस जुबानी खर्च करें, वो मुझे आता नहीं है। अच्छा। हाँ। तो खुद बैठते हैं घोड़े पे? नहीं खुद, बहुत कभी कभार, कभी मन हो गया बस बैठ के थोड़ा चल दिए। अच्छा। वरना नहीं बैठ। तो आपके हिसाब से रेस कैसी रही है? आप तो ऑनर नहीं, आप एक जैसे एक नागरिक के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? भाई रेस देखें, निर्णय देखें हमारा, फिर उस कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा क्या निर्णय था। वो तो मैं अपने मुंह से अपनी बात क्या करूं, मेरे हिसाब से तो ठीक हुई रेस। चलिए बहुत अच्छी बात है आपसे ये है कि उस पे हमारे थोड़े भरी वाले ऐसे संबंध है। नीलकंठ घोड़ा हमारा सवार है गोलू, हमारा भाई समझिए उसको, क्योंकि हमारी इज्जत लेके सर पे चला। उसका घोड़ा एक हाथ खाली पीछे आ गया, मैंने उस वो थर्ड पाए गोंडा के हैं नान बच्चा पांडे जी, उनका घोड़ा था गोलू, हमारे सवार उस पे बैठे, वो उनके भी पर्सनल सवार। अब एक डेढ़ हाथ वो इस लाइन पे बाद में आया तो उसको थर्ड दिया। उसामा का घोड़ा इलाहाबाद वो पहले आ गया, उसको सेकंड ने दिया। असलूब का घोड़ा पहले नंबर पे आया ही, सब तीनों घोड़ों की चाली ठीक थी, उस हिसाब से इनाम नजर आई आपकी पार की। हाँ नहीं, रेफरी लगाए थे, वीडियोस बन रही थी, मैंने तो निर्णय काफी देर बाद दिए हैं, सारी वीडियोस देख के जल्दी जल्दी मैंने किसी को नहीं बोला। जैसे कुछ होते घोड़े जैसे चूक जाते हैं, भूल चूक सबसे हो जाती है, तब भी मैंने वीडियो देखी। भाई आंखों से भूल हो जाएगी, दिमाग से भूल हो जाएगी, कैमरे से भूल नहीं हो सकती, कैमरे में जो रिकॉर्ड हो गया वो आपको दिखेगा। तो हम तो जो भी जिसमें हम फंसे, मतलब किसका घोड़ा क्या है कुछ जैसे नहीं हो पाया, तो तुरंत वीडियो मैंने देखी। आप वीडियो लॉसिंग सब बना रहे थे, यहाँ वीडियो देखी, उससे मैंने देख के निर्णय किया। तो अब ये रेस हो गई है, अब ये साल में एक ही बार होती है? हाँ साल में एक बार होती है, हमारे पिताजी मरहूम के नाम से होती है। कितनी पुरानी है ये, कब से? ये हमें एक ये दूसरी बार है। अच्छा। 2 साल लॉकडाउन लग गया इसलिए करा नहीं पाए, लेकिन अब इंशाल्लाह सब सही रहा तो हर साल होगी रेस। लेकिन ये रेस ऐसी हुई है जैसे मैंने देखी है कि इंडिया में अगर कई रेसें देखी जाएंगी तो उसमें टॉप पे आएगा नाम इसका। अब अल्लाह का शुक्र है, अब वो इज्जत इज्जत देने वाला पाक अधिकार है। जी जी, अब जैसा है टॉप आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो ठीक ही है भाई, हम तो दर्शक हैं ना इसलिए। चलिए गौस भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जी, और उम्मीद करते हैं कि रेस और आगे बढ़े जी। अगले साल फिर रेस होगी, लेकिन थोड़ा टाइम में बदलाव हो सकता है जी,
जैसे इस टाइम ठंडी का माहौल बहुत है हाँ। क्योंकि अभी 15 दिन बाद आचार संहिता लग जाती तो फिर रेस ना होती, तो इस वजह से जो है हो सकता है कि फरवरी में अगले साल रेस हो। और इसमें हमारा पुलिस विभाग जितना है, हमारे सीओ साहब, सीओ मलियाबाद, इंस्पेक्टर साहब, बेचारे ने बहुत हमारा साथ दिया। पूरे 10 दिन के मेला था, एसडीएम साहब, एसडीएम, पुलिस प्रशासन मलियाबाद के जितना है, सबने मेरा बहुत साथ दिया इस रेस में। रेस में पूरे 10 दिन का मेला था, हर साल ये 10 दिन का मेला लगेगा और कोशिश ये करेंगे कि साल में 2 बार रेस कराएं। चलिए ये बहुत अच्छी खबर है, कोशिश यही करेंगे, जैसे कहा कि 2 बार 2 मेले लगवाएं और 2 बार रेस कराएं। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।